रियलिटी शो वाले पीछे पड़ गए इसलिए मैं चला गया, आपके कॉमेडी शो वाले भी पीछे पड़ गए थे, लाफ्टर शेफ्स वाले वहाँ पे भी आप चले गए थे, मतलब इन रियलिटी शो वालों में आपको क्या ऐसी यूएसपी दिख रही है कि वो आपको बुलाना चाह रहे हैं बार बार? अब देखिए, वो मेरे को क्यों बुलाना चाहते हैं, अच्छा प्रश्न किया आपने, बॉलीवुड के लोग मेरे को क्यों बुलाना चाहते हैं, उसके पीछे की गणित ये समझिए कि इकलौता ये दास अनिरुद्ध ही है जो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा वो बातें सामने लाता है जो गलत हैं। जैसे दाने दाने में केसर कदम वो गुटखा बेचते हैं, जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, इस तरह के गाने बना के शराब को प्रमोट कर रहे हैं, जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। मैं कहता हूँ कि 70 सालों में हमारे देश में मुगल आए, मुगलों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को, अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को जितना 70 साल में बॉलीवुड ने भारत को नुकसान पहुंचाया। ये बात मैं जब कहता हूँ तो बॉलीवुड सुनता है और बॉलीवुड को लगता है कि ये बंदा सही बोल रहा है, खाली सुनते हैं और मानते भी हैं, सही बोलता है तो वो बुलाते हैं, और मैं जाता हूँ इसलिए कि शायद मेरे कहने से ये लोग गलत का प्रचार करना छोड़ दें और भगवद गीता का प्रचार करना स्टार्ट कर दें। तो आपको लग रहा है कि आपके आपके जाने से बदलाव आएगा? अरे बदलाव ना आया होता तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, वो बदलाव के ही तो प्रमाण हैं। जी अब बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हैं और सच्चाई है और संवाद भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आजकल आपने मैरिज ब्यूरो भी खोला हुआ है क्या? जिसकी मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया है, जिसकी चाहे आप शादी कराना चाह रहे हैं, आप सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि शादी करिए और जिम्मेदारी उठा लिया आपने। हाँ तो मैंने बोला कि मैं ढूंढ के दे दूंगा लड़की, ये भैया बैठे हैं ढूंढ देंगे। हाँ जो आप शादी का भी आप ले लेंगे काम, आप जो है धर्म का भी ज्ञान ले लेंगे, आप जो जो है क्या नाम ले फिल्म वालों का भी उन पर भी आप जो है मतलब आप चाहते हैं कि हर जगह जो है मेरा वर्चस्व बना रहे। वर्चस्व बनाने की बात नहीं है, समाज को सही दिशा देने की बात है। साधु संतों का काम होता है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना, ना कि किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करना या ऐसी सुर्खियां। देखिए आप अच्छा काम करिए, सुर्खियां आपके पास खुद चलकर आएंगी और लोग भी आपके पास चलकर आएंगे जब तक आप सुर्खियों के लिए काम करते रहेंगे। देखिए कुछ दिन दिखाती है मीडिया भी और लोग भी कुछ दिन सुनते हैं, उसके बाद फिर जब लोगों को लगता है कि ये तो कोई कॉमेडी हो रही है तो वो फिर बैक हो जाते हैं। जी ओके, आपका कोई सवाल नलिनी? सवाल है गुरुजी कि आपने कहा कि आप शादी का भी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूँ, क्या मैं चाइनीज माल हूँ? सवाल आया ये। देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होके घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले और ना, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे। चलिए पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल। जी लेकिन आपने ये जो मतलब आप ये मैरिज ब्यूरो की बात जो आपको मैंने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं। तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है। राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ, भांडी वट में सरकार कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। नहीं, 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 नहीं। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ भांडी वट में, आज गर्ग संहिता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं। सुनिए न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात ना ना, आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या। मैं तो वैसे कह रहा हूँ भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका उसके खिलाफ बात की। जी जी चलिए अब अच्छा एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सलमान खान से आपकी मुलाकात हुई, इंसान कैसे लगे आपको? उन्होंने आपसे कोई सलाह मांगी? सलाह देखिए हम लोगों का संवाद हुआ, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें मैंने कही, तो उन्होंने बात कही कि देखो ये बहुत गहरी बात है जी, ये समझदारों के लिए है, तो उन्होंने बातें बहुत सारी समझी, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनको बोला कि वृंदावन गौरी गोपाल आइए, जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनका दर्शन करिए,
फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा कि वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है जहाँ 290 वृद्ध माताएं हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, अखंड रसोई चलती है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा उनको पता लगा कि मैं वहाँ जाने का कोई पैसा मैंने नहीं लिया, वहाँ मुझे बुलाया 2 घंटे के लिए बिग बॉस में, तो उन्हें पता लगा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, तो उन्होंने खुद कहा कि आप जब इतनी सेवा करते हैं तो आपको पैसा लेना चाहिए। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं, आपके प्रेम के लिए आया हूँ, और फिर कभी आप वृंदावन आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। तो उन्होंने खुद कहा कि आप जो पैसा लेंगे, बोले आप कहीं भी जाया करिए तो पैसा लिया करिए, बोले न्यूज़ चैनल में भी जाया करिए तो पैसा लिया करिए ताकि माताओं की सेवा हो सके। तो उन्होंने बोला कि पैसा लिया करो। सोची, और उस व्यक्ति ने कहा कि आप पैसा लिया करिए, जबकि यदि मैं लिया होता तो उन्होंने कैसे क्यों बोला, तो पैसा की बात नहीं थी। इसका भी जवाब होगा कि जिसमें बोला जा रहा है कि पैसे आपने लिए थे, आपने बोला आपने पैसे बिल्कुल नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए थे पैसे। लेकिन एक आप पे आरोप है कि आप माफी वीर हैं, हर चीज के लिए आप माफी मांग लेते हैं, रियलिटी शो में शामिल हुए तो उसके लिए भी आपने को माफी मांगनी पड़ी। भाई हमारे भारत के संस्कार क्या, जरा हाथ बढ़ाइए अपना इस तरफ, एक हाथ ये, सॉरी हमारे यहाँ जरा टच भी हो जाए ना जरा किसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी। तो हमारे हम बचपन में जब देखते ना शक्तिमान, तो उसमें शक्तिमान कैसे कहता था, सॉरी शक्तिमान जी। तो जरा कुछ हो जाए, जरा आपको कोई बात बुरी लगे, जरा कुछ दिक्कत हो तो सॉरी, आप खुश रहे बस। लेकिन आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको बार बार ऐसे, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं आप सबका दास हूं। पर आप विवाद में फंस जाते हैं और फिर आपको माफी मांगनी पड़ जाती है। कोई बात, देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी, हमारे यहाँ शास्त्र इतने अथाह हैं, ज्ञान इतना है कि सारी जिंदगी पढ़ते रहो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हूँ। आपने जो भगवान कृष्ण और भोलेनाथ का रिश्ते की बात करी, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे देखिए वो तो विवाद यूं ही लोग खड़ा कर देते हैं, कोई वीडियो तो कोई एविडेंस किसी के पास है नहीं, कुछ भी बस विवाद करना है, हमने कुछ बोला विवाद करना है तो लोग बात कर देते हैं। कोई आप कह रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एविडेंस ही नहीं किसी के पास जी। लेकिन अगला आरोप आप पर ये है कि राजनीति में जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही है, आप इससे सहमत हैं असहमत हैं? नहीं, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों भाई, ये बताइए क्या हमारे मुसलमान भाइयों में सिया सुन्नी की जाति गणना होती है, तो फिर हिंदुओं में ब्राह्मणों की क्षत्रियों की जाति जनगणना क्यों हो? आप सीधा ये करो ना कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये बात हो, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव जाट कितने हैं ये क्यों जनगणना हो? भाई हिंदू कितने हैं ये जान लो, जातियों में विभाग मत करो वरना लड़ जाएगा। जी जी, सवाल 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 विवेक जी, छोटा सवाल जी। जो सदियों से अत्याचार किया किसने किया, दलितों के ऊपर किसने किया, बैकवर्डों के ऊपर? एक सेकंड, मेरा निवेदन ही है, वो सवाल पूछ रहे महाराज जी से, तो महाराज जी जवाब दे देंगे। नहीं, आपको मौका दे रहा हूँ, आपको इसके बाद मौका दूंगा मैं। देखिए मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके, और वो तब बदले। सुनिए इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूँ, मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी सब जगह, बिहारी जी सुनिए कोई मना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ, अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं, किस इतिहास की? नहीं, देखिए किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, ठीक कह रहे हैं, अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया, आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है, इकलौता